Jasvinder Narulaji. Everybody, come on. Thank you, my dear sweetheart. Thank you for being here for my We Ready What Tea. जसविंदर जी, आपका रिश्ता मीका जी के साथ तो कई सालों से है. प्लीज टेल मी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके? सच बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे एक बहन को लगता है अपने भाई के किसी भी ऐसे शुभ कार्य में आकर, उसी तरह से आज मुझे फील हो रहा है. और सच मुझे ऐसा लगता है कि उसे आज ही मतलब हमने घोड़ी पे बिठा दें. और बहुत ही प्यारा. और फिर देखो कितने प्यारे दोस्त यहाँ पहुंचे हुए हैं. भूमि, गिव अ बिग हैंड फॉर भूमि एंड फॉर शान. दे आर हिज बेस्ट ऑफ पैल्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. एंड इट्स सो गुड टू बी हियर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर माय वी रेडी वॉटिंग. आपको कई सालों से ये बात मीका ने आपके साथ शेयर की कि कहीं ना कहीं मेरे लिए आप ही कोई अच्छी सी. जी, आज ऐसा लग रहा है सपना, वो जो उसने मुंह से कहा था वो सच होता जैसे नजर आ रहा है. कि मुझे उसने ये जब मुझे फोन आया और मुझे कहा गया कि आपने आना है, तो मुझे वो बात याद आ गई कि उसने बोला कि दीदी लड़की तो आप देखोगे मेरे लिए. तो मैंने कहा ठीक है. तो उस मैं जब भी उससे मिलती हूँ मैं कहती हूँ कि अब तैयार हो जा, कुछ करें अब, यू नो, होना ही चाहिए अब तो. सो आई थिंक ये भी होना ही था. बिल्कुल, ये तो होना ही था. भूमि के साथ एक हाल ही के शो में लोगों ने काफी ड्यूएट्स किए हैं और काफी हम लोग मजाक मस्ती में आपको और मीका जी के साथ काफी सारे एक रिश्ता बांध दिया था. बट ऑफकोर्स दैट वाज मोर इन फन एंड जेस्टर. लेकिन क्या आपको तब कोई ऐसा थॉट आया था कि आज इज रियली रेडी टू गेट मैरिड, स्वयं रचाने वाले? मैं आपको बहुत सच सच बताऊं तो जब लोग कहते हैं कि लड़के और लड़की दोस्त नहीं बन सकते, और फिर जो कहते हैं ना कि सब लोगों ने ऐसे लिंकअप्स क्रिएट कर दिए थे, लेकिन मैं ये मानती हूं इस शो में मैंने बहुत टाइम पहले इस शो के लिए मैंने सर को बोला था, मीका जी को बोला था. बहुत खास दोस्त बन गए हम सभी तब. और मैंने उनको ये कहा था, मैंने प्रेडिक्ट किया था, आई वुड ऑलवेज से दैट, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आपका स्वयंवर जो है वो डेफिनेटली रचने वाला है. एंड वी आर हियर टुडे. और मैं एज अ फ्रेंड मीका जी को यहाँ पे सपोर्ट करने आई हूँ, उनकी खुशी में शामिल होने आई हूँ, इस पूरे सीजन को सेलिब्रेट करने आई हूँ. और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस सेलिब्रेशन में जुड़िए और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आई रियली वॉन्ट दिस टू बी एब्सोल्यूटली एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, वी ऑल वांट टू हियर यू ऑल लाउडर. कम ऑन वंस अगेन. ओके, सो आई गेट इट. हमारे मीडिया फ्रेंड्स फोन में वीडियोस और पिक्चर्स ले रहे हैं, आई अंडरस्टैंड. बट एट द सेम टाइम थोड़ा शोर तो मचा ही सकते हो. लेट्स डू इट ऑन द काउंट ऑफ थ्री. ओके, 1, 2, 3. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू क्यों करे, शो का नाम ही लेते. हाँ, 1, 2, 3, स्वयंवर मीका दी वोटी हो जाए. 1, 2, 3, स्वयंवर मीका दी वोटी. थैंक यू. तो नहीं, मैं सोच रहा था भूमि, अगर आप ये प्रेडिक्ट तब कर ली थी और साथ साथ यशवंत जी ने भी कहा था मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी कोई अच्छी सी कुड़ी, तो ये तो सच होने आ ही गया है. लेकिन एक और प्रेडिक्शन, आपको क्या लगता है स्वयंवर मीका दी वोटी सुपरहिट शो होने वाला है कि नहीं? शो तो सुपरहिट है क्योंकि हमारे पास मीका जी जैसे सुपरहिट स्टार हैं हमारे साथ और हम आप सब लोग यहाँ पे आकर जुड़े हुए हैं सपोर्ट में. लेकिन मैं ये मानती हूँ कि शायद अगर दिल में मीका जी के कुछ कुछ हो और उनके सपनों का साथी यहाँ पे मिल जाए, ये हम उसे विश कर सकते हैं कि उसे अपने सपनों का वो साथी जिसकी तलाश में वो है वो उसे मिल जाए. ये वी कैन विश हिम एज फ्रेंड्स एंड एज फैमिली. वी ऑल विश हिम दैट. विश हिम गुड लक एवरीवन. एंड ये तो सुपरहिट होना ही है. नहीं जसवंत जी, मैं आपको बताऊं कि एक हो तो फिर भी हम मान जाए. यहाँ तो ऐसी ऐसी सब राजकुमारियां हैं कि दुविधा ये नहीं है कि कौन सी होगी वो सपनों की राजकुमारी. लेकिन इनमें से एक को सिलेक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है. बट ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक. बहुत ही दिल से जो कुछ भी
यू नो जो कुछ भी यहाँ हो रहा है इज अ लॉट ऑफ हार्ट इन्वॉल्व्ड. बहुत वो बहुत सियाना है जी. और बहुत सोच समझ के करता है, तो मुझे ये पूरा मालूम है कि वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा. और कोई जब जब इंसान इस तरह के उसमें पढ़ता है तो वो कुछ सूझबूझ से ही करता है कुछ, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक डिसीजन लेगा जो भी करेगा. सोच समझ के और इस बार ज्यादा दिल से. हाँ मुझे लगता है दिल की आवाज सुनने वाले हैं उनका सर. नहीं नहीं पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि इनफैक्ट आपको पता है कि अपने फार्म हाउस से घोड़ा भी लेकर आया है. घोड़ा घोड़ी होगी केसर. वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि जो पसंद आए उसे पका के ले जाएंगे. तो इससे पहले कि हम उस बात करें, आपने कहा कि हमारे हमारे पाजी है ना, हमारे भाई है ना, एक्चुअली हम लोग सब साडा साडा दूल्हा किथे है, साडा यू नो होने वाला ते वीरा मेरा किथे है, वीरा वीरा मेरा किथे है ना, वीरा मेरा किथे है. एक स्पेशल अंदाज में क्यों ना हां, एक्चुअली स्पेशल अंदाज में गाना है ना वो हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल वो बनता है. अभी स्वयंवर में तो स्वयंवर तो रच ही रहा है, लेकिन साथ साथ एंटरटेनमेंट भी तो है. तो मुझे याद आ रहा है एंटरटेनमेंट फील्ड में हमारे मिका भाई का एक सुपर गाना है वीरा दी वेडिंग. और चलो उसके गाने को मैं बिगाड़ना दूं, उसमें मैंने लिरिक्स भी लेकर आया. तो कृष्ण जी आपकी आवाज से कुछ एक कमाल का सुर हो जाए, उसके बाद हम उसी सुर को आगे बढ़ाएंगे इस गाने के साथ. चलिए सुर दीजिए जरा. Oh.